तो वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मतदान किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में इन्होंने मतदान किया थे। तो कर्नाटक के कलबुर्गी में इन्होंने मतदान किया के मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए गए। तो वहीं आपको बता दें कि आज दिग्गज मतदान करने के लिए पहुंचे गए। तीसरी दौर का मतदान जारी है। सुबह आपको ये भी बता दें कि मतदान की प्रक्रिया 7 बजे शुरू हो गई थी। आज मतदान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए तीसरे दौर के इस मतदान में 10 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी है। ईवीएम में आज किस्मत कैद हो जाएगी। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और आपको ये भी बता दें कि गर्मी बहुत है, ऐसे में देखना ये होगा कि मतदान का प्रतिशत क्या बहुत बेहतर रहता है। पहले 2 चरणों में बहुत खास मतदान का प्रतिशत नहीं रहा। हालांकि आज पीएम मोदी ने लोगों से आह्वान किया, घरों से निकलिए मतदान कीजिए। अमित शाह आह्वान करते नजर आए हैं कि घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे मतदान करते हुए तस्वीरों में आप देखिए, कर्नाटक में उन्होंने कलबुर्गी सीट पर जाकर अपना मतदान किया। कलबुर्गी में इनका बूथ था जहां पर उन्होंने मतदान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो कलबुर्गी में इनका बूथ था जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। के आज दिग्गज वोट डालने पहुंचे हैं। तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही है। दिग्गजों ने किया के मताधिकार का प्रयोग, साथ ही साथ आम जनता को दिया है संदेश, घरों से निकले अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए क्योंकि मताधिकार केवल आपका अधिकार नहीं बल्कि ये आपका एक कर्तव्य भी है लोकतंत्र के प्रति। इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे। लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं और पश्चाताप करके उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हम जरूर लाएंगे और भारी बहुमत से चुन के देंगे, ये सबका कहना है। No, that won't work now if I tell. Today he is voting. What benefit I will get by telling and criticizing? Today only I appeal to everybody, go and vote. And whomsoever they want, they vote. But only thing is that I told you, what mistake they did earlier, they don't want to do it now. And they are repenting it. Because they said, because we lost Congress candidate last time, so our development is also stopped.